अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं होशांग गोयल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। शादी के दिन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे एक पत्नी की हैसियत से नहीं देखा, उनकी परछाई तक मुझ पर नहीं पड़ी। हम पति पत्नी सिर्फ दिखावे हैं। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों का नाम बड़े प्यार से रखते हैं और ये चाहते हैं कि बच्चों की जिंदगी में सुख शांति हमेशा बनी रहे। लेकिन आज जिस एक्ट्रेस की बात मैं कर रहा हूं, उनका नाम तो है शांति, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी लाइफ में अशांति फैल गई। लेकिन अपनी हिम्मत और हौसले से उन्होंने मुसीबतों का डट के मुकाबला किया, और वो है द ब्यूटिफुल डस्की शांति प्रिया। जब पहली बार मुझे मेहंदी लगानी होगी तो सिर्फ हाथों में ही क्यों, मैं कसम खाती हूँ उसके बेटे के खून से मैं अपने हाथ पांव दोनों लाल करूंगी। 22 सितंबर 1969 में पैदा हुई थी शांति प्रिया, राजमुंद्री में, जो आंध्र प्रदेश में है, एक तेलुगु परिवार में। उनके पिता का नाम था पांडु बाबू और उनकी माँ का नाम था रागमती देवी। दोस्तों, उनकी एक बड़ी बहन भी है जो साउथ की और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत मशहूर हीरोइन रह चुकी हैं अपने जमाने में, और उनका नाम है भानु प्रिया। शांति प्रिया का एक बड़ा भाई भी है और उनका नाम है गोपी कृष्णन। शांति प्रिया और उनकी बड़ी बहन यानी भानु प्रिया दोनों बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर हैं, और बचपन में पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने बाकायदा डांस की ट्रेनिंग ली और दोनों स्टेज परफॉर्मेंस भी देते थे। और बड़े होने के बाद उनकी बड़ी बहन यानी भानु प्रिया ने साउथ की फिल्मों में अपना एक बड़ा मकाम बना लिया था। शांति प्रिया उनसे बहुत इंप्रेस थी और भानु प्रिया की तरह ही वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि पहले शांति प्रिया अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे। इसी दौरान साउथ के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर इलैयाराजा के छोटे भाई गंगाई अमरन ने शांति प्रिया को ऑफर दे दी अपनी एक फिल्म के लिए, क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्हें एक बहुत ही यंग और टैलेंटेड लड़की की तलाश थी। शांति प्रिया इस ऑफर से बहुत खुश हो गई, लेकिन उनकी माँ ने साफ साफ मना कर दिया और कह दिया कि पहले शांति प्रिया अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगी फिर एक्टिंग करेगी। लेकिन शांति प्रिया की जिद की वजह से उन्हें हाँ करनी पड़ी। शांति प्रिया ने यह फिल्म साइन कर ली। ये एक तमिल फिल्म थी और फिल्म का नाम था एंगु उरु पटकरन, जो आई थी 1987 में। அப்படி சொன்னதான் எந்திரி பேன் சொன்ன, சீக்கிரமா குளிச்சிட்டு வா, சாமி கும்பிட நேரமாச்சு. வடக்கே எதுமா, இதுதான் வழக்கம். ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और शांति प्रिया ने कई भाषाओं की फिल्में साइन कर ली, जैसे तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा। साउथ के एक बहुत मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे दसरी नारायण राव, उन्होंने शांति प्रिया की कई फिल्में देखी थी और शांति प्रिया से बहुत इंप्रेस थे। 1989 में वो एक मेगा सीरियल प्लान कर रहे थे और शांति प्रिया को उसमें कास्ट करना चाह रहे थे। शांति प्रिया को उनका ऑफर बहुत पसंद आया और शांति प्रिया ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सीरियल का नाम था विश्वामित्र और उसमें विश्वामित्र का रोल किया था मुकेश खन्ना ने, मेनका का रोल किया था शांति प्रिया की बड़ी बहन यानी भानु प्रिया ने, और शकुंतला का रोल किया था शांति प्रिया ने, जो लोगों को बहुत पसंद आया। पीड़ा नहीं है कहीं, किंतु पीड़ा है भी, और इस अपरिचित पीड़ा में एक मिठास भी है। ये सीरियल बहुत मशहूर हुआ था और इसी दौरान 1991 में मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राज एन सिप्पी एक फिल्म बना रहे थे और उसमें शांति प्रिया को कास्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि शांति प्रिया को राजन सिप्पी ने विश्वामित्र में देखा था और शांति प्रिया का काम उन्हें बहुत पसंद आया था। शांति प्रिया को बहसियत हीरोइन राजन सिप्पी ने साइन कर लिया। फिल्म का नाम था सौगंध, जो आई थी 1991 में, और शांति प्रिया के ऑपोजिट थे अक्षय कुमार। और दोस्तों, ये अक्षय कुमार की और शांति प्रिया की पहली हिंदी फिल्म थी। मैं चौधरी सारंग की बेटी नहीं, बेटा हूँ, जिसने सर उठाकर जीना सीखा है, सर झुकाकर नहीं। जाने दो मुझे। जाना चाहती हो?
ये साड़ी पहन लो और चली जाओ। सौगंध के बाद शांति प्रिया ने कुछ और फिल्में साइन कर ली, जैसे वीरता, मेहरबान, इक्के पे इक्का और फूल और अंगार। आप? जी, मैं। छोटी कहाँ है? सिटी में जा रही है। जी? जी, मेरा मतलब चाय बना रही है, बैठी ना। शांति प्रिया ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कभी भी उनका किसी के साथ अफेयर नहीं हुआ। लेकिन 1992 में शांति प्रिया किसी को अपना दिल दे बैठी, और वो थे मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर वी शांताराम जी के ग्रैंडसन यानी सिद्धार्थ रे। और सिद्धार्थ भी कई हिंदी और मराठी फिल्मों में काम कर चुके थे। छोड़ दे ये चीटिंग का धंधा, समझी? चल भी छोटी, चल अपना काम कर। काम तो तेरा उस दिन बच जाएगा जिस दिन कोई सर फेरा मिल गया। अरे जा, वो मैं अभी तक पैदा नहीं हुआ जो मारी को हाथ लगा सके। अच्छा। दोस्तों, शांति प्रिया ने और सिद्धार्थ ने 1992 में शादी कर ली थी। उनके दो बच्चे हैं, शिष्य रे और शुभम रे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। शांति प्रिया अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से बहुत खुश थी, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। 8 मार्च 2004 में शांति प्रिया की जिंदगी में एक भयानक तूफान आया। अचानक सिद्धार्थ को हार्ट अटैक आया और वो ये दुनिया छोड़ के चले गए, बहुत छोटी सी उम्र में, एट द एज ऑफ 40। और शांति प्रिया बिल्कुल टूट गई। उनके आगे उनकी पूरी जिंदगी पड़ी थी और दो छोटे छोटे बच्चों की परवरिश। उन्होंने सोचा कि रोने से और दुखी होने से कुछ हासिल नहीं होगा, उन्हें हिम्मत और हौसले के साथ अपने दोनों बच्चों को बड़ा करना है और माँ का और बाप का प्यार भी देना है जो उन्होंने दिया। और अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए उन्होंने कुछ बड़े बड़े टेलीविजन सीरीज में भी काम किया, जैसे द्वारकाधीश, भगवान श्री कृष्णा और माता की चौकी। आज उनकी मेहनत रंग लाई है, उनके दोनों बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और अपनी अपनी फील्ड में टॉप पे हैं। अब 28 सालों बाद शांति प्रिया ने अपना कमबैक किया है OTT प्लेटफॉर्म पे। उनकी रिसेंटली एक वेब सीरीज आई है धरावी बैंक, जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। वो कहती हैं, चाहे बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, इंसान को कभी भी अपनी हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। दोस्तों, इस पे मुझे एक शेर याद आ गया, सुनिए। ख्वाब टूटे हैं लेकिन हौसले जिंदा हैं, ख्वाब टूटे हैं लेकिन हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जिससे मुश्किलें शर्मिंदा हैं। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।